Hello everyone, this is Sayed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. मैंने तुमसे कहा था मुझसे होशियारी करने में तुम्हारा ही नुकसान है। अब तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि उन दवाइयों का असर उस पर नहीं होगा। तुम पहले मुझे जवाब दो कि तुम चाचा के साथ मिलकर क्या कर रहे हो। तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? अगर इस दवा से भोली की जहनी हालत मुझे बिगड़ती है तो तुम्हें क्या मसला है? हमारा तो मकसद पूरा हो रहा है ना। भोली अगर आपके इस अजीम कारनामे के बारे में किसी को भी पता चला ना तो वो परसों क्या कल क्या आपको आज ही पागलखाने भिजवा देंगे। शुक्र है तसल्ली तो हो गई कि हड्डी वगैरह नहीं टूटी, वरना मुए ने जरब तो ऐसी लगाई थी कि तौबा, दर्द तो नहीं हो रही ज्यादा। चल चल मेरी गुड़िया, जाके सो जा, आराम कर, ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा जी, मैं आपके साथ सो जाऊँ आज? अरे क्यों, यहाँ क्यों सो जाए? अरे माना कि उसने तुझे, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि तू यहाँ वहाँ छुपती फिर, इसका तो वो और दलेर हो जाएगा। जा जाके सो जा, देखती हूँ कैसे हाथ लगाता है, और मेरे सामने हाथ लगाया तो होश ठिकाने लगा दूंगी उसके। चल जा। आपके सामने ही मारा था। अच्छा चल आ जा, सो जा इधर, लेट जा। सुबह ऐसे कान खींचू कि तेरे सामने, बल्कि अच्छा है जन्नत बीबी होंगी। वो कह रही थी फजर के बाद निकलूंगी, ठीक है? चल आ जा। अम्मा जी आप उन्हें ज्यादा नहीं डांटिएगा, आपके डांटने और आपसे मार खाने के बाद ही वो सारा गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। कभी भी कुछ भी उछाल के फेंक देते हैं, वो बेशक सर पे लगे मुंह पे लगे, कभी पिछाड़ देते हैं एक मुंह पे। अभी परसों मैं सो रही थी, ठंडा पानी फेंक दिया। बस कर दे ना, मेरा कलेजा फट जाता है सुन के। देख लो मानो तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात नुसरत मियां को ना पता चले। अरे वो तो तुले हुए हैं उसे पागलखाने में जमा कराने के लिए। बस अब की बार सब्र कर ले, आइंदा कुछ भी करेगा ना तो मैं खुद पायचा पकड़ के नुसरत मियां के हवाले करूंगी कि जाओ जमा करा दो इसे। बस अभी चुप कर जा। अच्छा सर, अच्छा मेरे पास। कुत्ते 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 कहेंगे, कुत्ते 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 कहेंगे, कुत्ते 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 कहेंगे, कुत्ते। भोले भैया मैंने ना आपके, अच्छा सोफे के पीछे है ना? हाँ भोले भैया, भोले भैया कहाँ चले गए? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जब भी फोन किया तुमने कहा सब ठीक है,
सब बहुत अच्छा है। क्या हो जाता, क्या करती मैं अम्मा? मैंने सोचा आपको ये सब कुछ बताने का क्या फायदा है, आपने कौन सा मुझे जानबूझकर इस जहन्नुम में झोंका है। आपने तो मेरे लिए भला ही सोचा था, मुझे ठिकाना देना चाहा, बस मेरी किस्मत खराब निकली। नहीं बेटा, मुझे अपने उतावले मन पर अफसोस है। नहीं, मैंने ये तो नहीं चाहा था कि कोई नीम दीवाना तुम्हारी बोटियां नोचता फिरे, तुम्हारे जिस्म पर नितने जख्म सजाता फिरे। फहमीदा खातून को देखो, अपना बेटा छुपा कर बैठ गई है। अम्मा, क्या जरूरत पड़ी है उन्हें बेटा छुपाने की? वो क्यों छुपाएंगी भोले को? वो तो खुद कई कई दिन घर से गायब रहता है, और जब भी लौटता है पहले से बुरी हालत में। आने दो उसे, कब तक भागा फिरेगा? इस दफा तो सारे हिसाब करके जाऊंगी फहमीदा खातून से। लावारिस समझ रखा है उसने तुम्हें। जी, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं बस यहाँ नहीं रुक सकती अम्मा जी, मुझे नहीं पता कि वो कब लौटेगा, और अगर वो लौटेगा भी और अगर आप उससे बात करेंगी, वो इस होश में नहीं होगा कि वो कुछ समझ सके, मुझे नहीं कुछ पता। आप मुझे यहाँ से ले जाएं। कैसे ले जाऊं? आपने मुझसे कहा सब्र करो, मैंने किया, आपने मुझे बर्दाश्त का सबक पढ़ाया, मैंने वो भी किया, आपने कहा मिट्टी हो जाओ, मैं मिट्टी हो गई। अब खुदकुशी को तो आप हलाल नहीं कहेंगी ना अम्मा? इस रिश्ते में रहना, भोले के साथ रहना मेरी खुदकुशी है। वो मुझे इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मार देगा, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं कि मैं ही खुदकुशी करूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। आइंदा ऐसे नहीं कहूंगी। मर्जी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं आपके साथ वापस गांव भी नहीं जाऊंगी। आप मुझे कहीं रास्ते में दारुलमान में छोड़ दीजिएगा, मैं नहीं चाहती आपके लिए कोई मुश्किलात खड़ी करना। मैं मजदूरी करके मैं अपना गुजारा कर लूंगी अम्मा जी, लेकिन मैं इस हजियत के रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकाल दे, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, मुझे वापस अपने साथ ले जाए। तुम क्यों बेकार नौलच रही हो रिजवाना? तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक? जन्नत बीबी जाने और भाभी जाने, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए अपना खून जलाने का। अच्छा, जो दिल में आता है करो, जो जी में आता है वो करो, बस मेरी जान छोड़ो, बस करो। सब खैरियत है? हाँ, है भी और नहीं भी। रिजवाना से बात कर रहा था। अब देखो, दो बड़ी खवातीन के झगड़े के दरमियान ये बेचारी पिस रही है। कैसा झगड़ा? वही भोले का। जन्नत बीबी भाभी जी से अब जरा कर रही है कि भोले का रवैया नूरबानों के साथ ठीक नहीं है। जैसे छाती से पहले उन्हें मालूम नहीं था कि भोले की ज़हनी हालत क्या है। मेरा तो ख्याल है आपको जन्नत बीबी के मौकफ की हिमायत करनी चाहिए, खुल करना सही दबे लफ्जों में। क्यों भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पराए फट्टे में टांग अड़ाने की? और यही बात मैं रिजवाना को समझा रहा था। भाभी जी जाने और उनके मामलात, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर वो खातून अपनी लड़की को यहाँ से ले जाती हैं और तलाक दिलवा देती हैं, तो आपका तो सबसे बड़ा मसला हल नहीं हो जाता? अरे वाह, क्या जबरदस्त बात की है तुमने। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, और वैसे भी मुझे उस लड़की से हमेशा खौफ आता है। क्या बात है? ये फाइल जो आपने मंगवाई थी।
ये बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई? चलती पे तेल डालना चाहिए। फहमीदा, भोले की वजह से नूरी की जान को खतरा है। हद हो गई, ये कैसी बात की आपने? क्यों जान को खतरा है? मेरा बेटा कोई कातिल लुटेरा है जो हाथ उठा सकता है, खून बहाकर अज़ियत महसूस करता है, वो किसी दिन जान भी ले लेगा उसकी। खुदा ना करे, मैं नूरी को अपनी जान से कलेजे से लगा के रखती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और नूरी की वजह से जो मैंने उसका हाल किया है, कई बार सबने देखा है, पूछिए तो सही जरा। इलाज हो रहा है उसका, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब तक मेरी बच्ची खुद पागल हो जाएगी। सुबह कॉलेज जाने से पहले मैं यहाँ पे आई थी, सोचा कि भोले भैया का जख्म जाके देख कर आऊं, पता नहीं कैसा है, मगर ना जाने वो कब चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। सखा, आप तो सारी रात ताई जी के कमरे में थी, आपको नहीं मालूम भाभी आपको मारने के बाद भोले भैया की क्या हालत थी। यहाँ पे बैठे थे वो, इधर अपने हाथ को जख्मी करने की कोशिश कर रहे थे, कहने लगे कि मैंने इसी हाथ से अपनी दुल्हन को मारा था ना, तो अब मैं अपने इसी हाथ को तकलीफ पहुंचाऊंगा बिल्कुल उतनी जितनी मेरी दुल्हन को पहुंची थी। भाभी जब उनको दौरा पड़ता है ना, तो उनको बिल्कुल होश नहीं रहता, अपना होश खो बैठते हैं। अगर होश में आने के बाद मैं जानती हूँ मैंने देखा है उनको, वो कितना खौफजदा थे आपकी नाराजगी से, आपकी तकलीफ से, बहुत चाहते हैं वो आपको। तुमने मुझे अंधेरे में रखा, पर्दे पर पर्दे डालती रही। अरे वाह जन्नत बीबी वाह, अरे अंधेरे में तो तुमने हमें रखा, पर्दे तो तुम डालती रही। अरे बासपुरस भी हमें से कर रही हो? रिजवाना तुम चुप करो। अरे कैसे चुप करूं भाभी, सुबह से मैं सुन भी रही हूँ देख भी रही हूँ कैसे ये आपके सर पे चढ़ी हंगामा किए जा रही है, दे इल्जाम पे इल्जाम। अरे हमारे खानदान की तो ढूंढिया पीट के रख दी है। अरे ना इस बात का लिहाज के घर में एक अदद मुलाजम आए, ना इस बात की शर्म की आवाज आस पड़ोस में जा रही होगी। अपने भरोसे ब्याह कर गई थी अपनी बच्ची को यहां, खुदा को भी मुंह दिखाना है। अगर उसके साथ इस घर में ना इंसाफी हुई तो मेरा हक है बासपुरस करने का। अरे तो यही मुंह दिखा देना खुदा को भी जन्नत बीबी। अरे जिस मुंह से झूठ बोल के वो दागी लड़की हमारे सर पे मंडके गई थी, अरे अब तो हमारा बनता है तुम्हारे लत्ते लेने का, बासपुरस तो तुमसे करनी है। रिजवाना क्या वाही तबाही बके जा रही हो तुम? अरे भाभी आप नहीं जानती, बहुत सादा तबीयत है आप। याद है मैंने कहा था ना दाल में कुछ काला है, मगर आप तो एतबार में मारी गई हैं। अब जरा मुझे इन हज्जन बीबी से हिसाब किताब लेने दे उन तमाम झूठों का जो उन्होंने हमसे बोले। कैसे झूठ? गिनवाऊं मैं एक एक करके? पहला झूठ कि नूर बानो तुम्हारी दूर पार की रिश्तेदार है। अरे वो तो तुम्हारे गांव के भंगी की औलाद है। दूसरा झूठ ये कि यतीम और मिस्कीन है। अरे इसके नीच मां बाप तो इसकी करतूतों की वजह से गांव छोड़ के मुंह छुपाकर भाग गए थे। बोलो। और ये बदसात लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी और उन्हीं के घर चोरी कर। चोरी नहीं की थी उसने, सरासर इल्जाम है। उन्होंने ये इल्जाम वापस ले लिया था। तुझे रात थाने में गुजारी थी, वो रात वापस आ गई क्या? जन्नत भी पूछे इनसे भाभी, पूछे इनसे
क्या नूर बानो भंगी की औलाद नहीं है? क्या उसकी सारी जिंदगी कूड़े करकट के ढेर पर नहीं गुजरी क्या? अरे वो चोरी करके फरार नहीं हुई, पूछे पूछे इनसे। बोलो जन्नत भी, ये सच कह रही है क्या? मैंने झूठ नहीं बोला था। हाँ सच छुपाया था, किसी के भले के लिए उसके ऐबों को ढकना खुदा ताला को भी पसंद है। और अगर उस खानदान में पैदा होना ऐब है तो ये खुदा की मर्जी थी। और आज चोरी का सवाल तो उसने चोरी नहीं की थी, ये साबित होने पर कि वो चोर नहीं है उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया था। तुम चाहो तो थाने जाकर पूछ गछ कर सकती हो वहमिदा। नहीं, नहीं मुझे किसी से पूछ गछ नहीं करनी। सब भी किस्सा यही खत्म कर दूंगी। हेलो, उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है साहिर। सब कुछ, मेरा माजी, मेरी असलियत, सब कुछ। हाँ और क्या रह जाता है इसके बाद? मैंने सोचा था कि मैं इज्जत से रुखसत होंगी इस घर से अपने तमाम तर भरम के साथ, लेकिन मुझे पता है अब वो मुझे धुतकार कर निकाल देंगे इस घर से। इस वक्त तुम्हारा उस घर से निकलना ज्यादा अहम है किसी भी तरह से। जाहिर बस इस बात का ध्यान रखना, जब वहां से निकलो तो अपने सारे रिश्ते नाते जंजीरें सब तोड़कर निकलना। मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी अम्मा जी मुझे इतने ऊंचे घराने में इज्जत से कैसे रहने देंगी और क्यों रहने देंगी? ठीक है, माना उनका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है, दौरे पड़ते हैं उसे, कोई भी इस जहान में उसे अपनी लड़की का रिश्ता ना दे, लेकिन फिर भी वो मुझे कबूल नहीं करेंगी। तो क्या हो गया? मैं हूं ना, सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूं तुम्हारे सारे ऐप नजरअंदाज करते हुए। ऐब यानी तुम्हें भी लगता है कि झोपड़ी में पैदा होना मेरा ऐब है? तुम्हारी खातिर मैंने एक रात थाने में गुजारी, उसकी वजह से मैं दागदार हो गई हूं तुम्हारे लिए? मैं अपनी नजर से नहीं दुनिया की नजर से बात कर रहा हूं। अब जो है सो है, इस असलियत को तुम बदल तो नहीं सकती ना। मैंने इस हकीकत को तस्लीम जरूर किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूं और चाहता रहूंगा। ठीक है, इतना तरद्दुद किस बात का? अब जब हकीकत खुल के सामने आ ही गई है तो दे ही फैसला। लो आ गई वो कलंक का टीका। भाभी मैं बता रही हूं अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, पहुंच डाले खानदान के माथे से ये रिजवाना। अपनी जबान और कदमों को लगाऊं तो
माना कि जन्नत बी ने मुझसे हकीकत छुपाई है। इसका दुख रहेगा मुझे, लेकिन अपनी हकड़ और खून के खुमार में मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगी जिसके लिए मुझे उम्र भर पछताना पड़े। सच कहती हूँ जन्नत भी, इस बच्ची का इस खानदान और इस जात में पैदा होना इसका ऐब नहीं, यह तो हुक्मे इलाही था। हर वो जात बड़ी शान वाली है, अरे जिसको जहां चाहे पैदा करे। हम उसमें ऐब ढूंढने वाले ना उस बिल्ला कौन होते हैं। हाँ भाभी, लेकिन इसका किरदार रिजवाना, अगर एक लफ्ज भी मेरी बहू के बारे में तुमने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। चुप, यही चुप। भाभी, बेटे की मोह ने सब कुछ बुला दिया। कहाँ गया वो तुम्हारा नाम, नसब, खून, हड्डी बोटी? हाँ, याद रहा तो बस इतना कि कहीं बेटे के दिल बहलावे का खिलौना ना छिन जाए। मेरा खुदा जानता है मेरी नीयत, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस बच्ची के साथ गुजरे हुए वक्त ने मेरा दिल बड़ा कर दिया है, किसी लालच ने नहीं। हर दुनिया देखी है मैंने रिजवाना, एक उम्र गुजारी है, क्या अभी तक औरत को नहीं परख सकती मैं? और इसके कामदान की वजह से मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, और ना ही मैं अपने बच्चे के लिए पहले कोई खिलौना लाई थी और ना ही अब। जन्नत भी अगर फिर भी ये जाना चाहती है तो ले जाओ इसे, मैं नहीं रोकूंगी। हाँ रिजवाना, मुझे जन्नत भी से किसी किस्म का सबूत मांगने की जरूरत नहीं कि चोरी का इल्जाम सच्चा था या झूठा, क्योंकि ये मैं जानती हूं कि नूर बानो का दिल झूठ, फरेब, तमा, लालच सबसे पाक है। बीबी जी, वो साहर मियां ना मजदूरों से छत से सामान उठवा रहे हैं, चाय देने गई थी, अभी लाती हूँ आपकी दवाई। अल्लाह, तुम कहीं क्यों नहीं? साहिर, मेरे अंदाजे के सब कुछ बिल्कुल बरक्स हो गया, मुझे नहीं कुछ समझ आया। अम्मा जी, हाँ मुझे तफसील का पता चला, इसलिए बहाने से आ गया मैं, लेकिन तुम किसी की बातों में नहीं आओगी, समझी? मेरे पास नहीं, कुछ नहीं है फिलहाल तो, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ही तो मुझे कहा था कि इस घर से जाना तो सारे ताल्लुक खत्म करके जाना। अब जिसने मुझे तलाक देनी है उसी का कुछ आता पता नहीं है, वो घर पर नहीं है। अगर होता तो क्या अम्मा जी के कहने पर तलाक जेब से निकाल के सामने रख देता? ये जो भी औरत है ना तुम्हारे गांव से जो आई है, जिसने तुम्हारे सरिये बला डाली है, उस पर जोर डालो, उससे कहो वो तुम्हें यहां से आजाद कराए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर तुम अभी और इसी वक्त उसके साथ यहां से जाओगी, ताकि घर वालों को भी पता चले कि तुम यहां घर बसाना ही नहीं चाहते।
साहिर शाम हो रही है और अम्मा जनते की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा जी ने उन्हें सुबह तक यहीं रोक लिया है। सुबह तक शायद वो भी लौट आएगा, लेकिन अम्मा जी भी नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं भोले के साथ। और मुझे यकीन है इस बात का कि जब मैं उन्हें अपनी मर्ज़ी बताऊंगी ना, तो वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोकेंगी। अगर मगर क्या मसला क्या? अगर वो मेरी ज़िम्मेदारी उठाने से घबरा रही हैं, और वो ठीक भी है ना साहिर, तो तुम उनसे मिल लो। मैं मिल लूं? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अब अपने आशिक को ले जाके सामने खड़ा कर दोगी, फिर तलाक मांगोगी? तुम किसी के निकाह में हो और मैं उस घर में खड़ा होकर रिश्ता मांगते हुए कैसे लगूंगा जहां मेरी पहले से शादी की बात चल रही है। हाँ, तो तुम्हें ये किस्सा खत्म करना है कि नहीं? तुम अपने हिस्से का किस्सा निपटाओ, मैं ये किस्सा अपना बाद में खत्म कर लूंगा। इस वक्त मेरा सामने आना तुम्हारी हमदर्दियां कम कर सकता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं अम्मा जी को इस बात की तसल्ली दे दूंगी कि कोई है जो मेरा हाथ थामेगा। ठीक है, अगर वो तुम्हें साथ ले जाने पर राजी होती हैं तो बता देना, लेकिन खबरदार मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, वो यहीं पर ढंडोरा पीट देंगी। तुम्हारी तो जो थूथू होगी सो होगी, मेरी इज्जत का कचरा निकल जाएगा। अब जाओ यहाँ से। कहा सुना माफ करना फहमी था, तैश में आकर जाने क्या क्या सुना गई तुम्हें। नहीं जन्नत भी, हमने नसीब का सुना है और नसीब का ही देखा। बरसों से मन्नत मान रखी थी कि खुदा औलाद दे दे, औलाद दी भी तो औलाद से बड़ा इम्तिहान कोई नहीं होता। और सच कहती हूँ तो मैं खुद कर्ज भी हो गई थी, क्या करती, मजबूर थी। लेकिन आप आड़े नहीं होंगे, तुम चाहो तो नूरबानों को भले साथ ले जाओ, वो नहीं सह सकती भोले को, तो ठीक है, जीती जान के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना मैं। जीती जान ही नहीं, जवान जहान भी है, उसे कैसे ले जाऊं, कहां ले जाऊं। तुम्हारे बेटे से निकाह है, उसे अपने हकूक व फराइज का होश हो ना हो, अगर दुनिया की नजर में ब्याहता औरत की इज्जत तो है ना। अपने साथ ले गई तो दिन कैसे भी हल्की हो जाएगी। समझ नहीं आता क्या करूं। तो मेरी भी मारी गई, क्या करूं मैं इस भोले के साथ, क्या करूं। अच्छा होता अगर उस वक्त कदम उठा लेती ना तो बहुत अच्छा होता, सिर्फ मेरा ही कलेजा फटता, कोई और ना फंसता।
कौन सा कदम? कुछ नहीं, बस छोड़ो जन्नत भी, क्या पुरानी बातें याद करती। उस वक्त हौसला ना हुआ तो तब पछताने का क्या फायदा। नूरी, तड़के चलने का इरादा है मेरा, क्या फैसला किया तुमने? साथ चलोगी? मैंने क्या फैसला करना है अम्मा जी? फैसला आपने करना है, आप मुझे रखेंगे या नहीं? एक तो वो मुआ भी बेवक्त गायब हो गया, लेकिन होता भी तो कोई इसका क्या कर लेता। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? वहां तुम महफूज नहीं थी, तुम्हें नाम और मकाम देने के लिए यहां बांधा। यहाँ एक नीम पागल के साथ रहना भी तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बूढ़ी कमजोर औरत तुम्हें कब तक शौके से बचाऊंगी? एक तीसरा रास्ता है। माँ बेटा, ये बात ना करना। तुमसे सदके खैरात और ज़कात का एक नवाला तक तो निगला नहीं जाता, और तुम दारुल अमान की बात कर रही हो, खैराती अदारे में रहने की। माँ बेटा, तुम तो हमेशा गैरत की भूखी रही, इज्जत की, मान की, वकार की, और देखो वो इज्जत तुम्हें फहमीदा ने दी। सब कुछ जानने के बावजूद उसने रिजवाना की बात छुटलाकर यह साबित कर दिया कि उसे तुम्हारे किरदार पर एतमाद है। उसका मुंह बंद कर दिया कि इस घर की बहू की तरफ की उंगली उठाने की भी जुर्रत ना करे। आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, हर फूल के साथ कांटे होते हैं, इज्जत बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। तुमने वो इज्जत कमा ली। अगर तुम भोले को कांटा समझकर आगे, तुम्हारी मर्जी। नूरी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दो चार रोज से रंगत फीकी फीकी सी लग रही थी और चेहरा भी उतरा हुआ था। मैं भी देखते ही चौंकी थी, कुछ अजीब सा था उसकी सूरत पर भी और उसकी चाल में भी। लेकिन फहमीदा सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी कि मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मुझे देखो जब मैं बड़ी सियानी बनती हूँ, मुझे भी पता ना चला। तुम लिखवा लो मुझसे जन्नती, खैर से दुल्हन का पाँव भारी है, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। सुने तो सही नुसरत,
नुसरत बात तो सुने मेरी, क्या हो गया आपको? क्या सुनूं तुम्हारी बात? तुम्हें मैंने मना किया था कि दूर रहो इस मामले से, लेकिन तुम बाज ना आए, करार आ गया तुम्हारे दिल को। मुझे क्या पता था कि भाभी बेगम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से ठंडे पेट पी जाएंगी? अब कहां गई उनकी खानदानी अकड़, कहां गए उनके उसूल? एक तरफ खानदानी अकड़ थी, उसूल थे, तो दूसरी तरफ क्या था? माँ की ममता। जाहिर है ममता नहीं जीत रहा था, और मैंने तुमसे कहा था कि यही होगा, भाभी जी बर्दाश्त कर लेंगी सब कुछ अपने बेटे की खातिर, लेकिन नहीं, तुम बाज ना आई, तुमने मेरी बात ना मानी। अगर आप सब कुछ जानते ही थे ना, तो क्यों मुझे भेजा था आता पता लगवाने के लिए? और अगर हमने मुंह सी कर ही रहना था, और अगर भाभी ने सब कुछ जान कर भी नाक मुंह तक चढ़ाना गवारा नहीं करना था, तो फिर हमारी बला से वो चोर नहीं होती, भंगन होती, फकीर नहीं होती। ओए मोटी अकल की औरत, इस डर से वो अपनी औकात में रहती, उस औकात की वजह से वो कभी होशियारी ना दिखाती, सारी जिंदगी हमारे सामने दब के रहती कि हम उसका फंडा ना फोड़ते, और उसका ये डर खत्म किया है तुमने। रिजवाना बेगम अब खुश हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी, और वो भी दीदा दलेरी से। वैसे मैं आपको बताऊं, उसके तेवर लग नहीं रहे हैं, वो सुबह से जन्नत बीबी के साथ जाने के चक्कर में तुली बैठी है, लग रही तूफान ही हो जाए। वैसे सुबह से भाभी बेगम पता नहीं क्यों उसके कमरे में धरना दिए बैठी है, उसे सुना रही होंगी, है ना? जी आपको बहुत मुबारक हो, आपकी सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। Hello, assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and zabardast content.